Let us start with the class now. But in the last class, we completed with the topic of NPV. मैंने आपको बोला था हमने NPV का basic version complete कर लिया है. अभी NPV बचा हुआ है. NPV आगे भी आएगा. हम उसको दोबारा भी pick up करेंगे. But अभी के लिए हमने NPV को close कर दिया था for the time being. All right? So अब हम क्या start करेंगे? मैंने आपको last class में बोला था हम आज एक नया technique start करेंगे. अब हमारी अगर list wise चले तो दो techniques बची हुई हैं. एक IRR और एक MIRR. So these are the two techniques remaining. So we will finishing those two techniques today itself. फिर हमारी एक क्लास और बचेगी इसकी. उस एक क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बेटा उस एक क्लास में हम कवर करेंगे NPV का remaining portion या remaining chapter whatever is left away. All right. उस क्लास में मैं आपके साथ दो 10 year के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा which are bit technical. आप अपने आप करोगे तो आपसे होंगे नहीं, मुझे ही करवाने पड़ेंगे. So we'll understand those two questions also. All right. So ये मैंने आपको क्लास प्लान बना दिया. प्लस लास्ट क्लास में जो हमारी कल होगी मोस्ट प्रोबेबली, उस क्लास में हम आपके साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे भी डिस्कशन करेंगे. हम ड्यूरिंग द कोर्स अभी तक जितना पढ़ा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को काफी कवर कर चुके हैं, प्लस और भी कवर कर लेंगे जब तक हम ये चैप्टर कल तक एंड करेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द टॉपिक. बेटा कौन सा टॉपिक है बताइए? आज हम आपके साथ सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज IRR. ठीक है जी, करें स्टार्ट. अभी काम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. कुछ भी बिना सोचे समझे हम पहले इसकी नोटिंग कंप्लीट कर लेते हैं. जो भी 5-10-15 मिनट जो भी लगेंगे इसकी नोटिंग में पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं. And after that, मैं इसको explain करना start करूंगा और हम ये पूरा का पूरा topic समझते चले जाएंगे. ठीक है? So आप ना बिना कुछ सोचे समझे जो मैं बोलता जा रहा हूं आप बस नोट करते जाइएगा. अभी सोचिएगा मत कि क्या लिखा है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. राइट डाउन सबसे पहले IRR हेडिंग डाल दिया आपने. नाउ लेट्स राइट द एक्सप्लेनेशन. लिखिए बेटा इट इज द रेट, ऐसा लिखना बेटा, इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न. इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न to be earned on the project. It is the maximum rate of return to be earned on the project. Full stop. In other words, it is the rate at which NPV of the project is zero. In other words, it is the rate at which NPV of the project is zero. Full stop. All right. बस आप लिखते चलिए. मैंने आपको बोला अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, जस्ट अभी नोट डाउन कर रहा है. All right. So आगे हेडिंग लिखिएगा बेटा डिसीजन क्राइटेरिया. डिसीजन क्राइटेरिया ए पॉइंट जनरल रूल. ए पॉइंट जनरल रूल. बेटा आप मुझे बताइए, ये एक तरह से रेट ऑफ रिटर्न है. इट्स लाइक इनकम, तो जितना ज्यादा उतना अच्छा. तो जनरल रूल में क्या हो जाएगा? हायर दी बेटर. लिखिए हायर दी बेटर. बी पॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूजन. बताइए जी क्या होगा इसमें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. लिखिए बेटा Project with highest IRR should be selected. Project with highest IRR should be selected. Done. Next, third is independent proposal. Independent proposals. स्क्रीन पर देखिए बेटा IRR की तीन सिचुएशन बन सकती है. ग्रेटर देन सीओसी. सीओसी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इफ इट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिजेक्ट द प्रपोजल. और इक्वल पर मे और मे नॉट. ये आप नोट डाउन कर लीजिए अंडर कौन से वाले में? इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स में आप ये नोट डाउन कर लीजिए.
Note down this under independent proposal. All right. हो गया यहां तक? Hello. Everyone. चलिए अब लिखिएगा steps for solution. Next heading would be steps for solution. Point number one. Calculate average annual cash inflows. So इधर स्क्रीन पर देखेंगे बेटा पॉइंट नंबर वन लिख लिया उसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू कैश फ्लो वन कैश फ्लो टू प्लस एंड सो ऑन कैश फ्लो ऑफ एन ईयर्स डिवाइडेड बाय एन आपको सिंपल एवरेज यूज करना है वी हैव टू टेक सिंपल एवरेज ऑलराइट हेलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा पॉइंट नंबर टू फाइंड फेक पे बैक पीरियड फेक पे बैक पीरियड कैसे निकलता है फेक पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोस ऑलराइट ये भी हो गया बेटा पॉइंट नंबर टू फॉर्मूला भी लिख लिया आपने हेलो थर्ड स्टेप राइट डाउन थर्ड स्टेप लिखिए लोकेट द वैल्यू ऑफ फेक पीबीपी इन पीवीएफ टेबल Against the life of the project, to identify approximate IRR. All done. नेक्स्ट स्टेप पॉइंट नंबर कौन सा बेटा लिखना स्टार्ट करिए फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा फाइंड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग अप्रोक्सीमेट आईआरआर ऑलराइट अब फोर्थ का सब पॉइंट ए बन जाएगा फोर्थ के अंदर ए पॉइंट आ जाएगा सब पॉइंट ए इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन इंक्रीज द रेट इन सच अ वे so that NPV becomes negative. Full stop. B point आ जाइए बेटा इसके अंदर ही. If NPV is negative, then decrease the rate in such a way so that NPV becomes positive. All right. Fifth step, last step. Calculate the value of IRR by using two NPV values bracket में in brackets one positive and other negative
one positive and other negative, bracket close. One positive and other negative, bracket close. By using the following formula. By using the following formula. फिर आप फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं. करिए जी, इसको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. यहां पर आ जाएगा लोअर रेट और माइनस होगा हायर रेट. लोअर रेट माइनस हायर रेट एनपीवी. फॉर्मूला हो जाएगा बेटा लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट. आप बस नोट डाउन कर लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या है, जस्ट नोट इट डाउन. हो गया बेटा नोट डाउन? ऑल डन? एवरीवन नोटेड? हेलो, ऑल डन? चलो जी, यहां तक का मामला समझ में आया? पहले कॉपी हो गया बेटा सारा. अब ये हमारा नोटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम बेटा इसको अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पर आते हैं. अब थोड़ी देर तक आप कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे. जब कॉपी करना होगा मैं आपको बताऊंगा, आप कॉपी करो, ये कॉपी करो एंड ये कॉपी करो. ऑलराइट, सो फॉर द टाइमिंग यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट. ऑलराइट, सो लेट सी व्हाट इज दिस आईआरआर का टॉपिक. बेटा आईआरआर ना बिल्कुल ही आसान सी चीज है, मैं आपको बताता हूं. मैं एग्जाम्पल नंबर वन से स्टार्ट करता हूं. आपने जूनियर क्लासेस में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करे थे, मैथ्स के अंदर होते ना, मैथमेटिक्स और फाइनेंस में भी आपने पढ़ा होगा. सो वहां पर क्वेश्चन होते थे जिसमें आर निकालना होता था, याद है आपको? वहां पर ए दिया होता था, पी दिया होता था, एन गिवन होता था, तो आप आर कैलकुलेट करते थे, यस और नो? तो बेटा ये वही क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है. बस थोड़ा सा स्टाइल मार के है क्योंकि यहां पर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है, अदरवाइज इट इज अ सिमिलर टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा हुआ है आपने. ऑलराइट, सो मैं समझाता हूं आपको ये क्या टॉपिक है. आप सबका ध्यान अभी तक स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, बस और कहीं नहीं. अब छोड़ दो सारे मोबाइल वोबाइल सब साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए, पहले आप समझ लो. क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया उसके बाद ही बहुत आसान हो जाएगा, और समझ में नहीं आया तो बेटा यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम अगेन. ठीक है, सो माई सजेशन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ऑलराइट, सो लेट स्टार्ट. देखिएगा मैं एग्जाम्पल वन क्रिएट कर रहा हूं आपके साथ. एग्जाम्पल वन कहता है, लेट से आप बताना बेटा ये ऑप्शन अच्छा है या नहीं है. आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं आजकल, जिसमें लोग कहते हैं पैसा लगाओ आपको ये मिलेगा वो मिलेगा एटसेट्रा एटसेट्रा, यस और नो? सो वी हैव टू डिसाइड कौन सी स्कीम होनी चाहिए. तो मैं आपके सामने एक स्कीम प्रेजेंट कर रहा हूं, आप बताना ये स्कीम कैसी लग रही है आपको. स्कीम कहती है इन्वेस्ट रूपीज 1 लाख नाउ. आज कितने इन्वेस्ट कर दो? 1 लाख एंड गेट रुपीज 2 लाख और आप हमसे कितने ले जाओ? देख लो बेटा पैसा डबल, 1 लाख का कितना कर दिया? 2 लाख. कंडीशन लगा दीजिए आफ्टर 7.5 इयर्स, 7.5 साल बाद आप हमसे डबल पैसे ले जाओ. बताओ जी स्कीम कैसी लग रही है, अच्छी है बेकार है? बताओ भाई हाउ इज द स्कीम, बताओ. सी डबल हो रही है, बेकार है. देखा मुझे पता था बेटा, बच्चे कह रहे बेकार है क्यों? क्योंकि कितने साल दिख गए उन्हें. आप तो बेटा आपके अंदर तो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, आपको तो सब कुछ इमीडिएटली चाहिए. सर अभी दो घंटे बाद ले लो 2 लाख, है ना? ऐसी कोई स्कीम मिले तो बताना बेटा. ऐसी जितनी भी स्कीम मिलेंगी वो सब क्या होगी? फ्रॉडुलेंट होगी. कोई भी ऐसी स्कीम नहीं होती जिसमें ऑन द स्पॉट रेडीमेड पैसा डबल हो जाए. ऑलराइट, सो इट जनरली टेक्स टाइम टू गेट द मनी डबल. ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूं ये स्कीम क्या है. आपने सुना होगा
गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती है बेटा, जैसे किसान विकास पत्र, पता है आपने टैक्स में पढ़ा होता ना, इसका डिडक्शन मिलता है आपको एटीसी में, तो बेटा ये वही स्कीम है। उन स्कीम में यही होता है, जितना पैसा लगाओगे गवर्नमेंट कहती है हम आपको क्या देंगे, सीधा डबल। बट गवर्नमेंट बस इस टाइम को चेंज करती रहती है। आजकल क्या चल रहा है मुझे भी आइडिया नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है, मे भी आजकल 8 या 7.5 या 8.5 साल के आसपास चल रहा है, आई एम नॉट श्योर क्या एग्जैक्टली चल रहा है, बट हम 7.5 साल लेते हैं। सो हम चेक करेंगे सर ये स्कीम क्या है। देखो सर, कोई भी स्कीम अच्छी है या बेकार हम एज सच इसको देख के तो कुछ भी नहीं बता सकते, वी नीड टू कंपेयर इट। अब कंपैरिजन के लिए सबका बेस क्या रखना पड़ेगा, सेम। तो हमने कहा इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स हम इनको रिलेटिव टर्म्स में मेजर करते हैं, दैट इज कौन सी स्कीम कितना परसेंट रिटर्न कमाती है ये देख लेते हैं। तो यहां से हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, इसका रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज आर। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कहता था ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर रेस पावर एन, यस और नो? अब आप मुझे बताओ यहां पर ए कितना है, प्रिंसिपल कितना है, आर मुझे नहीं पता, एन है 7.5, तो बताइए क्या मैं यहां से आर निकाल सकता हूं? सो इट बिकम्स 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेस पावर 7.5, सो 1 प्लस आर बिकम 2 रेस पावर 1 अपॉन 7.5, सो आप 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2 रेस पावर 1 अपॉन 7.5 माइनस 1, तो आप बताइए बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 2 रेस पावर 1.75 आपको सिखाया था मैंने, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में भी सीखा था, मैं यहां पे दोबारा सोच बता देता हूं जिन्होंने अभी तक वो नहीं करा चैप्टर वो दोबारा देख ले। बेटा वहां पर मैंने सिखाया था किसी की भी पावर निकालनी होती है तो क्या करते हैं, पहले अंडर रूट की प्रेस करेंगे 13 टाइम्स माइनस 1, देन डिवाइड बाय जितनी पावर निकालनी है, यहां पावर कितनी है 7.5, फिर स्टेप्स का रिवर्सल, माइनस 1 की जगह अब क्या हो जाएगा प्लस 1, पहले था अंडर रूट अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों 12 टाइम्स, 12 कर लो 13 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहना है, जितना यहां करोगे बेटा उतना ही यहां पे करना। ऑलराइट, पहले समझ में आया, अब आइए कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप, करिए फटाफट से, पहले लिखिए 2, पावर किसकी निकालनी है 2 की, तो 2 के बाद अंडर रूट प्रेस करिए 12 टाइम्स, शुरू हो जाइए काउंटिंग, ध्यान से करना गड़बड़ मत कर रहा, कर लिया, फिर माइनस 1, देन डिवाइड बाय 7.5, देन प्लस 1, अब उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों कीज 12 बार दबा रही है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, 12 टाइम्स प्रेस करिए देखिए क्या आ रहा है 1.096 आगे 8, तो बेटा आर कितना हो गया, आर की वैल्यू हो गई 9. जिस स्कीम को आप बेकार कह रहे थे आप चेक करो, बैंक की एफडी से तो बहुत अच्छी है, आज की डेट में बैंक की एफडी का इंटरेस्ट कितना आता है बेटा 7% अराउंड, बट यहां पर देखो आप कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 9.68, इज बेटर देन बैंक, समझ में आया? ये जो आपने आर निकाला ना, ये जो आर निकाला बस टेक्निकली बेटा यही हमारा क्या होता है, इसी को हम IRR बोलते हैं। सो IRR इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ रिटर्न बीइंग जनरेटेड बाय अ इन्वेस्टमेंट और अ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, 9.68% की रेट पर पैसा जनरेट हो रहा है। तो पहले मीनिंग समझ आया व्हाट इज IRR, बोलो जी बोलो। अब मैंने एक और लाइन लिखवाई थी, पढ़ो क्या लिखवाया था, इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट एट विच NPV इज इक्वल टू 0 लिखवाया था मैंने आपको, अब ये समझती है इस रेट पर NPV 0 कैसे हुआ, आइए जरा उसके लिए थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। इधर देखिए बेटा, हमने अभी अभी देखा A इज इक्वल टू पी वन प्लस आर रेस पावर एन, मैंने इस इक्वेशन का यूज करा, मैं इस इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस पावर एन, बोलो जी एवरीवन, मैं इसको दो पार्ट्स में स्टडी करता हूं, ठीक है, पहला पार्ट P इज इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस पावर एन, ठीक है बेटा, व्हाट इज P, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड, जो अभी पैसा लगाया, व्हाट इज A, जो फ्यूचर में पैसा मिलना है। ऑलराइट, अब हम यहां पर केस नंबर 1 लेते हैं, यहां केस 1 यहां केस 2, तो केस 1 क्या हो जाएगा, A इज
single cash inflow to be received कब? In future. पहले बात समझ आई बेटा, इसका मतलब क्या है? एक ही बार पैसा मिलेगा, जैसा अभी हमने लास्ट स्क्रीन में देखा था बेटा, ए क्या था? सिंगल टाइम कैश इनफ्लो था, वन टाइम. आप बताओ अगर ये वन टाइम कैश इनफ्लो है तो कैन आई से P इज इक्वल टू ए इंटू पीवीएफ आर कॉमा एन. सोचो जरा, सोचो बेटा, ए इंटू पीवीएफ हो जाएगा ये, क्योंकि ये एक ही बार आया है, जो एक बार आता है उसमें पीवीएफ लगाते हैं, यस और नो? तो अब आप बताइए ये क्या बन गया, ये क्या पीवीसीओ जितना पैसा लगाया बेटा, ये क्या हो जाएगा पीवीसीआई जो पैसा मिलेगा. तो बताना ये क्या बन गया, जीरो इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ. सो जीरो इज इक्वल टू, तो बेटा यहां तक समझ में आ गया पहले आपको? ये इक्वेशन से जो आर निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, सो दैट माई पीवीसीआई बिकम्स इक्वल टू पीवीसीओ एंड एनपीवी बिकम्स इक्वल टू जीरो. पहला ये सब समझ आया? अभी बेटा और डिटेल में लेके चलूंगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है मैं हमसे. देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं इस टॉपिक के लिए, अभी मैं आपको ये सब कुछ लॉजिकली समझा रहा हूं कि मतलब क्या है और इसको क्यों कर रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं. जिनको समझ आ जाए उनके लिए अच्छा है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे. क्वेश्चन में तो बेटा एक कॉमन स्टेप्स है जो हमें लगाने, और वो मैं स्टेप्स आपको पहले ही लिखवा चुका हूं. एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, सारे स्टेप समझ आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. बात समझ आ गई? बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रैशनल और द लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, हर चीज का क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं अभी. चलिए ये सब समझ आ गया पहले सबको बेटा. लेट्स सी केस नंबर टू. केस नंबर टू में भी हम यहां तो यही लिखेंगे ए इंटू वन अपॉन वन प्लस आर रेस पावर एन, बट हम कहेंगे यहां पर केस टू क्या है? केस टू इज ए इज सेम अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो टू बी रिसीव्ड एवरी ईयर इन फ्यूचर. बेटा यहां पर हमने एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो बना दिया. बताइए जब सीरीज ऑफ कैश फ्लो बनता है तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? बेटा यहां पर पीवी एफ का यूज हो जाएगा आर कॉमा एन. सो बताइए अल्टीमेटली क्या हो गया, पीवी सीओ इज इक्वल टू पीवी सी आई, जीरो इज इक्वल टू पीवी सी आई माइनस पीवी सीओ, दैट इज जीरो इज इक्वल टू एनपीवी. आप किसी भी तरीके से देख लो एनपीवी अल्टीमेटली क्या हो रहा है. पहले बेटा ये फंडा भी सबको समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट किसी के माइंड में? पक्का? तो वो लैंग्वेज समझ आ गई, इट इज द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो. पहले ये समझ आ गया. अब मैं इसी चीज को एक और तरीके से समझाता हूं. अब वाला एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझ लेना, अब अगर समझ में आ गया तो बेटा काम खत्म हो जाएगा भाई लॉजिक वाला, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन बचेंगे वो हम करेंगे. अब हमने ना एनपीवी निकालना सीखा था बेटा. एनपीवी निकालने के लिए हम पीवी फैक्टर्स का यूज करते थे या हम पीवी एफ का यूज करते थे, और वो किसी एक आर पर यूज करते थे, यस और नो? अब देखो ये जो आर है, अब इसके दो केस हो सकते हैं. पहला केस वन इज आर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न या कट ऑफ रेट, आप कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए. बेटा आर हमारा क्या है? हमारी कंपनी की कॉस्ट है, ठीक है. और दूसरा केस क्या हो सकता है? केस टू, आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, मैं इसको अपनी प्रॉफिट के बराबर मान लेता हूं या जो मैंने प्रोजेक्ट से कमाना है उसके बराबर मान लेता हूं. अब जरा दो मिनट के लिए आप सोचिएगा बेटा, यहां पर मैंने आर को किसके बराबर माना है? अपनी कॉस्ट के बराबर. मेरे को जो प्रोजेक्ट से जनरेट होगा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, बेटा उसको जब इवेल्युएट करूंगा तो यहां पर एनपीवी के तीन केस, या तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा या ये लेस देन जीरो, या पॉजिटिव या नेगेटिव, जो मर्जी आप कह लीजिए. अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो क्या करते थे? एक्सेप्ट. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है हमारी कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है, यस और नो? तभी हम उसको एक्सेप्ट करते थे. अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमारी कॉस्ट से कम रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो इसलिए उस प्रपोजल को क्या कर देते थे? रिजेक्ट. यहां तक समझ आया?
बट इस केस में क्या होगा, मैंने जो कमाया उसको ही किसके बराबर पुट कर दिया, अब की बार कॉस्ट के बराबर, आर इज बेसिकली माई कॉस्ट, मैं कॉस्ट को रेवेन्यू के बराबर पुट करूंगा तो एनपीवी क्या आएगा हमेशा। बेटा पहले दोनों में डिफरेंस समझ आया, नॉर्मल एनपीवी में क्या होता था, अब जो एनपीवी निकालेंगे उसमें स्पेसिफिकली क्या होना है, पहले ये डिफरेंस समझ आया आप सबको। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार और, हम नॉर्मली आर को हमेशा किसके बराबर पुट करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि हम ये मानते थे आर इज हमारा इन्फ्लेशन का रेट। अगर आपको याद हो मैंने इस तरीके से कहानी सुनाई थी आपको, ये इन्फ्लेशन है मतलब इतना तो मुझे मिनिमम चाहिए, मेरा ये मिनिमम के बराबर रखा, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है मतलब मैं मिनिमम से ज्यादा कमा रहा हूं तो एक्सेप्ट, नेगेटिव पर रिजेक्ट। बट अब की बार मैंने कहा जो मुझे मिनिमम चाहिए मैंने उसको किसके बराबर रख दिया, अपने मैक्सिमम रिटर्न के बराबर रख दिया। भाई प्रोजेक्ट से मुझे मान लो 14% मिलना है और मेरी कॉस्ट मान लो 10%, तो लॉजिकली इस प्रोजेक्ट पे क्या है, मुझे प्रॉफिट है। बट मैंने अपनी कॉस्ट को इस केस में कितने के बराबर मान लिया, तो बेटा बताओ कॉस्ट को अगर मैं रिटर्न के बराबर मान लूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। आईआरआर, अगर मैं आईआरआर वाले रेट पर एनपीवी निकालूंगा हमेशा वो क्या आएगा, जीरो। ये समझ आ गया पहले आपको। अब यहीं से नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन आती है, आईआरआर है मेरा रेट ऑफ रिटर्न, बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मेरी कंपनी की कॉस्ट जो मुझे मिनिमम चाहिए। अब इन दोनों को कंपेयर करके हमने डिसीजन मेकिंग करा था, आपने रजिस्टर में देखो, आप हमने डिसीजन क्राइटेरिया लिखा था। बेटा डिसीजन क्राइटेरिया में क्या लिखा था, अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो रिजेक्ट द प्रपोजल, यही पढ़ा था हमने। यहां तक कोई डाउट हो तो पहले बता दो, एवरीवन क्लियर टिल दिस स्टेज, एनी डाउट टू एनीवन, हेलो एवरीवन क्लियर टिल दिस स्टेज, बोलो जी बोलो, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, बोलो जी, एवरीवन गॉट दिस, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया पहले सारा। अब मैं इसी सारी चीज को बेटा क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ऑलराइट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें समझेंगे फिर हम आगे का काम करेंगे। हमने क्वेश्चन अभी नोटिंग अभी छोड़ दो, अभी आपको नोटिंग कुछ नहीं करनी, आपको सिर्फ इधर स्क्रीन पे ही समझना है, सारा एक साथ नोटिंग कर लेंगे कोई बात नहीं। आप हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट स्टार्ट करें। तो आओ बेटा 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार नजर मारते हैं, पहले एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपके, देखिए, कंपनी इज कंसीडरिंग द प्रोजेक्ट विच कॉस्ट 10,000, ये बेटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड द कैश इनफ्लोज आर, चार साल का प्रोजेक्ट है इतना इतना पैसा मिलेगा, कंप्यूट द आईआरआर एंड कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, बेटा ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, सर ध्यान से सुनिएगा, पहले स्टेप वाइज चलते हैं, फिर दो तीन स्टेप करने के बाद मैं आपको लॉजिक दूंगा ये स्टेप क्यों करे क्या करा, ठीक है। तो देखो जी, हम कहेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, ये कैसे निकलेगा, बेटा पहले साल कमाया 1,000, फिर 1,000 कमा रहे हैं, फिर 2,000 कमा रहे हैं और फिर 10,000 कमा रहे हैं, हर साल अलग अलग है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, ऑन एन एवरेज आ जाएगा, इट्स 3,500 रुपीज ऑन एन एवरेज, हम बोल सकते हैं कि हर साल ऑन एन एवरेज जनरेट हो रहा है बेटा 3,500 रुपीज, यस और नो। अब हम यहां से निकाल लेते हैं पे बैक पीरियड, बताइए बेटा अगर हर साल कैश फ्लो सेम होता है तो पे बैक पीरियड कैसे निकलता था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कैश फ्लो, बताइए जरा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 10,000 का और 3,500 हर साल का कैश इनफ्लो है, बताइए जी कितना, पहले ये समझ में आ गया बेटा 2.857 इयर्स। अब बताओ क्या इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड इस तरीके से निकलेगा, बेटा इसका हर साल क्या है एक्चुअली में कैश फ्लो, अलग 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 वाले केस में कैसे निकलता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके निकलता था, याद है आपको, तो ये एक्चुअली तो गलत है ना पेबैक पीरियड, दैट्स व्हाई हम इसका नाम क्या लिखते हैं हमेशा, फेक पेबैक पीरियड, सर अंदाजे वाला है एप्रोक्सीमेट है एक्चुअल नहीं है, पहले समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पहले देखते हैं, सर ये दो स्टेप क्या करें, सुनो जी बेटा ये समझाया था मैंने अभी अभी आपको, बोलो जी केस वन केस टू, बताओ केस वन क्या था,
सिंगल कैश इनफ्लो एक बार मिला, बात खत्म। बेटा हमारे क्वेश्चन में क्या चल रहा है? मल्टीपल कैश इनफ्लो, तो हमारा तो ये वाला केस है। बट ये केस में हमने देखा था ए क्या होना चाहिए बेटा, सेम अमाउंट होना चाहिए। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सेम अमाउंट, तो बेटा हमने कहा सेम बना लेते हैं। पहले पॉइंट समझ आया, हमने कहा सेम नहीं है बट ये तो लगाना ही पड़ेगा भाई, दो में से कोई एक केस ही लग सकता है आर निकालने के लिए। तो हमने कहा यही वाला कर लेते हैं जी, ये तो हो नहीं सकता, ये तो एक बार में लगता है, मल्टीपल में यही लगता है, मल्टीपल में ये लगेगा बट हमें क्या चाहिए, बट यहां सेम नहीं था। तो बेटा हमने सबसे पहला स्टेप सेम बना लिया। अब समझ आया व्हाई वी टुक द एवरेज, सबसे पहला स्टेप। अब आते सेकंड स्टेप, हमने क्या निकाला था, फेक पीपीपी। अब देखते इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, इधर देखना बेटा जरा, मैं यहां ब्लू पेन से कुछ करूंगा, इस वाली इक्वेशन से यहां कुछ और इंटरप्रेट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से देखना, क्या मैं इससे बोल सकता हूं पीवी एफ आर कॉमा एन इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए? बोलो जी बोलो, आप मुझे बताओ व्हाट इज पी, जो पैसा लगाया। सो कैन आई से इट इज कॉस्ट? बोलो जी बोलो, व्हाट इज ए? इट इज कैश इनफ्लो। बेटा बताना कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो क्या था, पीबीपी तो था अभी तो देखा हमने, तो कैन आई से जो पीबीपी है और जो पीवीएफ है वो दोनों एक ही चीज है? सोच के देखो अब आप। बेटा मैंने कहा था हर चीज का लॉजिक है, एवरीथिंग इज अ लॉजिक, हर चीज का लॉजिक है, हर स्टेप का लॉजिक है, वाई दैट स्टेप। तो पहले समझ में आया पीबीपी किसके बराबर होगा, तो हमने यहां से जो फेक पीबीपी निकाला टेक्निकली ये पीवीएफ के बराबर है मेरे। बोलो जी बोलो, यहां तक समझ आ गया? बेटा देखो मुझे ये मिल चुका है कि अगर हर साल का कैश फ्लो 3500 है, मुझे एनपीवी को जीरो करना है तो पीवीएफ कितना यूज करना पड़ेगा, 2 पॉइंट। बेटा अब हम रिवर्स मोड में काम करेंगे, अभी तक हमारे पास आर गिवन होता था हम पीवीएफ निकालते थे, अब उल्टा करेंगे, हमारे को क्या मिल चुका है पीवीएफ, हम इससे क्या निकालेंगे अब आर। तो अब यहां पर लिखते हैं फ्रॉम पीवीएफ टेबल कॉमा अप्रोक्स आईआरआर। मैंने वर्ड क्या लिखा है सबसे पहले अप्रोक्स, क्यों अप्रोक्स, क्योंकि सर ये सब अंदाजे से हो रहा है, एक्चुअल नहीं है कुछ भी, है सब फेक हो रहा है, यस और नो सब एवरेज हो रहा है। तो अब ये कैसे देखेंगे, इधर देखिए ये हमारे पास टेबल्स है, हमने पिछली बार भी देखा था पीवीएफ टेबल, मैंने आपको बोला था बुक पे गिवन है। अब आप इधर देखिए हमें पीवीएफ कितना चाहिए, 2.857, 2.857 कितने साल का प्रोजेक्ट है, 4 ईयर्स। तो अब देखो यहां से शुरू होती है हमारी पीवीएफ टेबल, आप लाइन पकड़ लो 4 वाली, इस पूरी रो में देखो 2.857 कहां आ रहा है, सर यहां तक तो आ नहीं रहा, आगे चलते हैं, कोई नहीं, 2.857 देखो जी ये मिल रहा है 2.855, मिल गया बेटा, अंदाजे से ही मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट मिल भी जाए तो कोई बात नहीं बट अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये कहां पर आ रहा है, 15% पर। तो बेटा वी वुड से कि हमारा आर कितना होगा 15, सो दैट्स हाउ वी से हमारा अप्रोक्सीमेट आईआरआर इज इक्वल टू 15%। स्टेप क्लियर है पहले ये वाला, एवरीवन गॉट इट? बताओ जी अगर मैं एनपीवी निकालू आईआरआर पर तो मेरा एनपीवी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब सेम स्टेप करेंगे, अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। अब प्लीज यहां पर देखिएगा थोड़ा सा परफॉर्मा मैं बदलूंगा, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा टाइम, फिर क्या आता था अमाउंट, फिर क्या आता था पीवीएफ, और क्या आ जाएगा आप देख लो, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं जानबूझ के, क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, अब पीवीएफ हम कितने यूज करेंगे, 15 वाले, क्योंकि हमें तो 15 पे निकालना है। पहले देखते हैं जी पर्टिकुलर्स, पहले बताओ कैश आउटफ्लो टाइम जीरो पर 10,000, इसका पीवी फैक्टर होता है 1, तो ये हो गया 10,000, बात खत्म, इसको मार्क कर देते हैं हम ए 10,000, दैट्स ऑल। फिर आ जाइए कैश इनफ्लो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, आप बताइए पहले साल का कैश इनफ्लो कितना है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, और नेक्स्ट
अब आप मुझे पीवी फैक्टर बताइए 15% वाले, 0.87 के आगे क्या है, 3 डिजिट तक लेनी है याद रखना। हाँ अगला 756 658 572। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 870 756 5720, ये बता दो मल्टीप्लाई करके कितना, 1316 टोटल। So what about NPV? 10,000 minus 8662 करिए कितना आता है? 1338। बड़ा ये क्या आ गई NPV? नेगेटिव आ गई सर ये तो। हमें तो क्या चाहिए? जीरो। बड़ा जीरो तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? NPV को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब दो मिनट के लिए समझना। मुझे NPV को इंक्रीज कर रहा है। क्या कैश आउटफ्लो कोई चेंज होगा? इनफ्लो भी चेंज नहीं होगा। बेटा चेंज क्या होने सर? अब पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसको बढ़ाना है पीवीसीआई को। बेटा बढ़ाने के लिए मुझे पीवी फैक्टर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज। अब आप समझिए पीवीएफ कैसे निकलता है? 1/1 + R। सो कैन आई से पीवीएफ एंड आर इनवर्सली रिलेटेड है? बोलो जी। मुझे अगर पीवी फैक्टर को इंक्रीज करना है तो आर को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बेटा अब हम यहां पर आर को डिक्रीज करते हैं। आर को डिक्रीज करने का मतलब है मैं दोबारा से ये निकालूंगा, अब की बार पीवीएफ को कम कर देते हैं। कितना कम करें? बाय डिफॉल्ट आपके बीकॉम के एग्जाम में 2 से 3% का जंप लें आप, 2 या 3%। ठीक है, मैं सजेस्ट भी करूंगा, ठीक है, क्योंकि कई कॉलेजेस में टीचर्स काट देते हैं 2 से ज्यादा ले लो, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा 2% लो। बाकी अपने कॉलेज में पूछ लेना भैया कितना लेना है, कभी वो 2% बोलते हैं कभी 3 बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन। तो मैं अभी स्टैंडर्ड बेटा 2% का फॉल लेता हूं, तो कितने पे आ जाऊंगा? 13 पर। अब इस 13 पर फिर से क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो बताइए ये तो वन ही रहने वाला है, तो ये तो सर सेम, इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब बताओ इसका 885.783693613 टोटल 9185 आएगा ना, नहीं 4 आएगा, सॉरी 9184। बताइए एनपीवी कितना? माइनस तो आ रहा बेटा कितना? 816। अभी भी माइनस आ रहा है बेटा, बट मुझे तो क्या चाहिए? या तो जीरो मिले या पॉजिटिव मिले, कम से कम उस साइड में तो जाए। तो क्या करें बेटा? एक बार और कम करो, फिर से स्टैंडर्ड जंप कितने का? 2% का। आप ये करते रहेंगे कब तक? जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए या जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला जनरली एग्जामिनर एक बार में कवर करवा देता है या मैक्सिमम 2 बार देगा, जैसे इस क्वेश्चन में हो जाएगा, बट स्टिल कोई बात नहीं। अब हम 13 से कहां चलते हैं? 11 की जगह बेटा 10 ले लेते हैं आपकी बार। ठीक है, क्योंकि मैं लेंथ करता जाऊंगा तो बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सो इसको 10 पर निकाल लें हम। बोलो सो 10 पर नीचे निकालूं या यहीं एडजस्ट कर दूं? कर दूं, देख लो समझ आ जाएगा, कर लोगे ना कॉपी बाद में? चिक चिक मत करना क्या लिख दिया आपने। तो पीवीएफ एट 10% और साथ में पीवी। चलो जी ये तो 1, ये तो 10 ही रहेगा। 0.909, 0.826 ये तो याद ही है बेटा मेरे को, 0.751, 0.683 टोटल करेगा कोई? 9, 6, 15, 5, 1, 3, 3, 3, 6, 8, 5, 13, 13, 6, 5 आएगा ना? ठीक है, मैं 2 भूल गया, कोई बात नहीं। तो बेटा 67 पॉजिटिव आ गया जी, पॉजिटिव मिल गया आपको। सो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है या तो जीरो या पॉजिटिव, कम से कम इतना तो आए। तब हमारे पास 3 वैल्यू कौन कौन सी बेटा? 15, 13 और देखो 15 तो बेकार ही है हमारे लिए, इसको तो हटाई दो, ये तो टाइम पास के लिए हो गया। सबसे नियरेस्ट वाली पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लोगे, पॉजिटिव कौन सी है 10, नेगेटिव कौन सी है 13। अब पहले मैं एग्जामिनेशन पार्ट करवा देता हूं।
एग्जामिनेशन में इतना लिखने के बाद आप सीधा लिखोगे आईआरआर, फॉर्मूला लिखोगे आईआरआर हो जाएगा लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल, इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। समझ आया पहले आपको? चलिए आइए वैल्यू प्लीज करते हैं। लोअर रेट कितना बेटा 10 प्लस लोअर रेट एनपीवी 67, 67 माइनस 816 है बेटा ये तो एनपीवी, हायर रेट है 13 माइनस 10। समझ में आ गया पहले आपको? सब कहिए ये कितना आता है 10 प्लस ये कर लो कितना आता है 0.227। सो आंसर कितना हो गया 10.227%। समझ में आया बेटा आईआरआर कैसे निकला? अब आप चाहते हो इस फॉर्मूले का लॉजिक तो वो भी दे सकता हूं, मैं तो दे दूं, दे देता हूं, जिसको अच्छा लगे कॉपी कर लेना, नहीं मन करे छोड़ देना, आपकी चॉइस है, मेरा काम है बेटा, मैं अपना काम पूरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब मैं समझाता हूं ये फॉर्मूला कैसे बना। ये बेटा कुछ भी नहीं है, यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड आपको पता क्या होता है? 10 के लिए इतना तो 1 के लिए कितना है, याद है? तो बेटा ये वही है। आइए मैं दिखाता हूं कैसे। हमने कुछ रेट्स यूज करे और एनपीवी निकाला, हमने 10% पे निकाला 67, 13% पे निकाला माइनस 816, यही करा हमने। बोलो जी बोलो बेटा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन है, अगर मैं 3% से रेट को इंक्रीज करता हूं तो मेरी एनपीवी कितने से डिक्लाइन होती है बताओ? बेटा कितने से डिक्लाइन होगी? 67 माइनस इतने से डिक्लाइन होगी। बोलो जी बोलो। हेलो एवरीवन, तो बताओ ये कितना आता है? 883 से क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है? बोलो जी। अब बताओ 3% 83 डिवाइड से इंक्रीज कर दूं तो ये 1 रुपी का फॉल आ जाएगा। बोलो जी बोलो बेटा, ये 1 रुपी के फॉल के लिए इतना हो गया। हेलो बोलो जी बेटा, मुझे फॉल कितने का चाहिए? क्योंकि मैं 67 पर पॉजिटिव था, मुझे 67 को क्या बनाना है? 0। तो 67 के फॉल के लिए क्या हो जाएगा? 67 बाय 83 इंटू 3 इंटू 3 से इंक्रीज करना पड़ेगा। बेटा बताओ 67 क्या था? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो बोलो जी बोलो। सो बेटा यही है आपका एनपीवी। 67 क्या है? लोअर रेट एनपीवी, ये लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी। ये 3 कैसे निकाला था? हायर रेट माइनस, पहले समझ में आया कैसे बना, प्लस मुझे 67 तक तो पहुंचना पड़ेगा तो वो लोअर रेट पर पहुंचूंगा 10 पर, इसलिए वो एड बैक कर दिया था साथ में। समझ आया बेटा एनपीवी का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है? पहले तो इट इज नथिंग बट अ यूनिटरी मेथड सिंपल वर्ड्स में। समझ आया एनपीवी का कॉन्सेप्ट? ओ सॉरी आईआरआर का कॉन्सेप्ट, देखो कितना भारी कॉन्सेप्ट है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं बेटा। आईआरआर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? व्हाट इज आईआरआर, व्हाई आईआरआर एंड हाउ आईआरआर। बोलो जी बोलो एवरीवन। अब एक काम करते हैं, अब आप पहले सारा का सारा नोट डाउन कर लो, ठीक है? उसके बाद 2 मिनट लो, अपने आप रिव्यू करो एक बार सारा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है मुझसे फिर पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट चलो जी स्टार्ट होगा फटाफट से। अब आपने इस एग्जाम्पल से कॉपी करना है, आप इस एग्जाम्पल से कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट करिए, जल्दी जल्दी कॉपी कॉपी स्पीड में करिएगा बस।
noted till this point? Chaliye, next page phir. All done. All done. बेटा scroll कर दूँ ऊपर. ठीक है? Complete करो copies को. All done. Hello. Completed till this point. Who have it complete? Everyone? Let's note down the solution, question number 16th. करिए आप नोटिंग बेटा फटाफट इसकी.
ऑल डन करो बेटा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो All done. जल्दी कर लीजिए बेटा प्लीज मेक इट फास्ट Done. So, just note down this also. The logic behind IRR, if someone wants to note down, you can make it fast.